गुड इवनिंग ऑल, कैसे हो? ओके, आपका नाम क्या है? निहाल अहमद। अब इंटर क्लासेस में कितने साल से हो? एक साल से हो। अच्छा, अभी कौन से स्टैंडर्ड में हो? 10th स्टैंडर्ड में। अच्छा, इंटर क्लासेस के बारे में कैसे पता चला आपको? इंटर क्लासेस का बैनर देखा, जगह जगह पे पोस्टर लगा हुआ था, मेरे जूनियर लोग जो थे उन्होंने मुझे सलाह दिया 10th क्लास के लिए इंटर क्लासेस एकदम मस्त। तो आप सेटिस्फाइड हो यहाँ आके? पूरी तरह से सेटिस्फाई हूँ यहाँ पर आके। थैंक यू। वैसे तो विंटॉप क्लासेस में आने के पहले लोगों के एक्सपेक्टेशन बहुत हाई रहते हैं, आप पे क्या एक्सपेक्टेशन? मेरे एक्सपेक्टेशन थे कि मैं यहाँ पे आऊँ, क्योंकि यहाँ पे जो पढ़ के गए उनका रैंक काफी अच्छा आया था। अच्छा, तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है ये क्लासेस ज्वाइन करने के बाद? मैं यहाँ के बारे में जो जो अच्छी बातें सुना था वो सब सही निकली है। मैं पहले एक एवरेज बच्चा था पढ़ने में, अब यहाँ पे आने के बाद मेरे अंदर काफी डेवलपमेंट हुआ है, इम्प्रूवमेंट हुआ है, इसके बारे में मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ जिसको भी अगर अपने उज्जवल भविष्य के बारे में सोच रहा है वो यहाँ पे आके पढ़ सकता है। थैंक यू अंकित। विंटर क्लासेस की स्पेशलिटीज तो बहुत सारी हैं, उसमें से सबसे अच्छी चीज कौन सी लगती है आपको? मैम इधर ना संडे टेस्ट होता है, संडे टेस्ट होने के बाद हमें उससे 2-3 दिन बाद ही हमारे रिजल्ट बताया जाता है, और बोर्ड से पहले यहाँ पे प्रीलियम्स होते हैं, 3-3 प्रीलियम होते हैं, उस हिसाब से हमें पता चलता है जो हम फॉर्म से रैंक पे होते हैं, और यहाँ से टीचर्स भी बहुत अच्छे पढ़ाने वाले। थैंक यू। आपका नाम क्या है? पिंकी चौधरी। विंटर क्लासेस में कितने साल से हो? 5 साल से। 5 साल से हो। अच्छा, तो क्या एक्सपेक्टेशंस थे आपके यहाँ पे आने से पहले और वो फुलफिल हुए हैं क्या? हाँ मैम, एकदम अच्छे। एक्सपेक्टेशंस क्या थे? एक्सपेक्टेशन ये थे कि मेरा एकदम मैथ्स हर सब्जेक्ट एकदम हाई लेवल का हो जाए। तो यहाँ के ओनर राजू सर और अदर टीचर्स के बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैम राजू सर का मैथ्स और साइंस एकदम अच्छा है, उन्हें हर सब्जेक्ट में हाई लेवल का नॉलेज है, और वो हमें मतलब जिसका सब्जेक्ट वीक होता है उन्हें पर्सनली आके बताते हैं और बड़े ब्रदर की तरह हमें आके समझाते हैं। नसरी मैम का इंग्लिश एकदम हाई लेवल का है और उनका ग्रामर पार्ट हर स्टूडेंट को समझते हैं। तो आप सेटिस्फाइड हो? यस मैम। थैंक यू।